हेलो, इस वीडियो में हम सरफेस टेंशन को समझने के लिए एक प्रयोग परफॉर्म करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि पीन पानी पे किस तरह तैरती है। सतह के तनाव के कारण पीन का फ्लोटिंग। इस प्रयोग को पूरे करने के लिए हमें क्या क्या आवश्यक सामग्री की जरूरत पड़ेगी, आइए जानते हैं। एक कटोरी में पानी, बर्तन धोने की तरल, कुछ पीन और टिश्यू पेपर। अगर आप पीन को पानी के ऊपर रखें तो वो डूब जाएगा, जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आइए हम जानते हैं ऐसा क्यों होता है। पीन पानी में डूब जाता है क्योंकि वे पानी से भारी या अधिक घने होते हैं। पीन पानी में तैरता है, ये कैसे संभव है, आइए हम इसे भी जानते हैं। यह सतह के तनाव के कारण होता है, मतलब सरफेस टेंशन के कारण। पानी अणु से बनी होता है, जैसे ईंट का घर ईंटों से बना होता है। पानी की सतह वो सतह है जिसे सतह तनाव के रूप में जाना जाता है, जैसे त्वचा जो पीन को तैरने देती है। आइए प्रयोग शुरू करें। टिश्यू पेपर का एक टुकड़ा फाड़ के पानी के ऊपर रख दे, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। फिर उसके ऊपर कुछ पीन डाल दीजिए। अब आप देख पाएंगे कि पीन पानी में तैरने लगी है। अब आप धीरे धीरे टिश्यू पेपर को पानी से निकाल दीजिए और अब पाएंगे कि पीन पानी में अच्छे से तैर रही है। हमने इस प्रयोग में टिश्यू पेपर का इस्तेमाल क्यों किया, आइए इसे जानते हैं। टिश्यू पेपर त्वचा को तोड़े बिना पानी की सतह पे पीन को पकड़ने में हमारी मदद करती है। नोट, यदि आप पानी में डिश वॉशिंग तरल मिलाते हैं तो आप सतह के तनाव को तोड़ते हैं और पीन डूब जाएगा, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। फैक्ट, पानी की सतह पर चलने के लिए बहुत सारे कीट भूतल तनाव का उपयोग करते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।